नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। एमपी तक रोज की तरह एक बार फिर दर्शकों के बीच मौसम का हाल लेकर आ गया। देखिए, मध्य प्रदेश में अब सर्दियां दस्तक देना शुरू कर चुकी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 से 10 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट रात के समय खासतौर पर देखी जा सकती है। वहीं अगर दिन के मौसम की बात करें तो कुछ इलाकों में भले ही धूप खिली हुई है, लेकिन सर्दी से भरी हुई हवाओं ने कहीं ना कहीं जो मौसम है उसके मिजाज को ठंडा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है। बारिश का अनुमान तो ग्रीन है, यानी कि ग्रीन अलर्ट है, यानी कि कहीं पर भी बारिश नहीं होगी। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि हल्की फुल्के जो छींटाकशी है वो मध्य प्रदेश में कुछ ही जगहों पर हो सकती है। साथ ही बादल रहने का भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अधिक टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है, लेकिन रात का टेम्परेचर यहां पर भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रबी की फसल की बुवाई का सीजन है, ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि ये मौसम सबसे इफेक्टिव है रबी की फसल की बुवाई का। ऐसे में किसानों के लिए राहत भरी खबर जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि बारिश नहीं होगी आने वाले कुछ दिनों में, तो ऐसे में किसान आसानी से अपनी रबी की फसल की बुवाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में 15 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ती हुई दिखाई देगी। कुछ जगहों पर इस बार टेम्परेचर माइनस में भी जाने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम को लेकर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।